बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ्लाइमी शो ऐप जिसका नया नाम विमी शो ऐप है, इस ऐप के ऊपर बहुत सारे दोस्तों को विड्रॉल के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब भी अपना विड्रॉल लगाते हैं तो वो अंडर रिव्यू पे जाता है और वो अंडर रिव्यू पे ही कुछ दिनों तक रहता है। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, ना वो रिजेक्ट हो रहा है ना वो सक्सेसफुल हो रहा है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका विड्रॉल रिजेक्ट हो जाता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे और भी नए यूज़र जो बता रहे हैं कि उनके पास विड्रॉल का बटन ही नहीं आ रहा, यानी विड्रॉल की ऑप्शन ही नहीं आ रही। तो इस हवाले से विमी शो ऐप की कुछ नई अपडेट्स आई हैं, तो वो अपडेट्स आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आपको विमी शो ऐप की नई अपडेट्स के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाही मिल सके। तो वीडियो कर लेते हैं शुरू। मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर कर लेता हूँ ऑन। जी तो फ्रेंड, मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर इस वक्त ऑन है और मैं आपको विमी शो ऐप की नई अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं वैलेट पर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बटन मिल रहा है विड्रॉल का। ये बटन अमूमन बहुत सारे भाइयों के पास अब अवेलेबल नहीं है। या दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर मैं जाता हूँ अर्न मनी के अंदर और यहाँ पे मैं विड्रॉल में जाता हूँ, तो जैसा कि मेरा जो लास्ट कल का विड्रॉल है वो अंडर रिव्यू आ रहा है। इस तरह बहुत सारे लोगों का ये विड्रॉल 2-3-4 दिनों से अंडर रिव्यू ही खड़ा हुआ है और ये आगे ना तो सक्सेसफुल हो रहा है ना ही रिजेक्ट हो रहा है, या समटाइम ये रिजेक्ट भी हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद आपके कॉइन्स भी माइनस हो जाते हैं और उसके बाद आपका जो विड्रॉल का बटन है वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर विमी ऐप शो ने एक नई अपडेट दी है। उस अपडेट के मुताबिक अब आप विमी शो ऐप या फ्लाइमी शो ऐप से फ्री में विड्रॉल नहीं ले सकेंगे। ये कैटेगोरिकली फ्लाइमी ऐप शो या विमी ऐप शो ने बता दिया है कि अब उनकी ऐप से कोई भी बंदा बगैर प्लान सब्सक्राइब किए विड्रॉल नहीं ले सकता। या तो उसका विड्रॉल का बटन बंद हो जाएगा या फिर उसके विड्रॉल जो है वो अप्रूव ही नहीं होंगे। अब विमी शो ऐप से अगर आपने विड्रॉल लेना है, अगर आपने अर्निंग करनी है, तो फिर आपको कोई ना कोई प्लान सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब प्लान सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, इस हवाले से ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आपकी अपनी विल होगी। मैं किसी को इसके ऊपर रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग की जितनी भी ऐप्स होती हैं इनका कोई पता नहीं होता है, किसी टाइम भी अपना सिस्टम वाइंड अप करें और निकल जाए। तो मैं किसी भी दोस्त को इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का, इसके ऊपर रिचार्ज का कोई भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके पैकेज प्लान में सारा आपको पहले बता चुका हूं, प्रैक्टिकली करके भी दिखा चुका हूं। अब इस ऐप ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि जनाब, इसके ऊपर बगैर प्लान सब्सक्राइब किए आप अर्निंग नहीं कर सकते। अच्छा, विमी शो ऐप के ऊपर प्लान्स के हवाले से कुछ दोस्त मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स कर रहे थे कि जनाब, उनका जो $36 वाला प्लान था वो $24 में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये मेरा एक प्लान था $36 वाला जो कि $24 में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह बहुत सारे दोस्तों का ये प्लान यानी कि डाउन प्लान पे चला गया है, $36 से $24 में चला गया है। तो वो कहते हैं कि जी, हमारे जो ऊपर वाले $12 थे वो किधर गए। तो इस हवाले से विमी ऐप शो की जो अपडेट है उसमें यह है कि आप इस प्लान को करेंगे कैंसिल, जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके वैलेट में $36 के कॉइन्स आ जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा से वो $24 वाला प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लान किस तरीके से सब्सक्राइब करने हैं, रिचार्ज कैसे करना है, इस हवाले से डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियोस देखकर आप फर्दर फ्लाइमी ऐप के प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह देता हूँ कि जनाब, फ्लाइमी ऐप शो या विमी ऐप शो के ऊपर किसी भी किस्म का रिचार्ज अगर आप करेंगे तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। मैं किसी को भी इसके ऊपर रिचार्ज का, इन्वेस्टमेंट का, प्लान सब्सक्राइब करने का रिकमेंड नहीं कर रहा, किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इन ऑनलाइन ऐप्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, ये किसी टाइम भी अपना सिस्टम वाइंड अप कर देती होती है। बहरहाल, इसकी जो अपडेट थी वो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी दोस्त मुझे बार बार कॉमेंट्स कर रहे थे कि जनाब, मेरा जो विड्रॉल है वो बटन गायब हो गया है, या मेरा विड्रॉल अप्रूव नहीं हो रहा, अंडर रिव्यू आ रहा। तो सोचा आप लोगों को इस हवाले से कम्प्लीट अप टू डेट
कर दूं कि जनाब विमी शो ऐप ने अब फ्री में विड्रॉल देना बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।